नमस्कार, मैं हूं सुचेता शर्मा। 20 जनवरी को यमुनानगर के स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्रिंसिपल रितु छापड़ा की उन्हीं के छात्र के द्वारा निर्मम हत्या के बाद सभी निजी स्कूलों के संचालक और शिक्षक डरे हुए हैं, जिसके चलते सभी निजी स्कूल के संचालकों में रोष व्याप्त है और सभी निजी स्कूल के संचालक आज हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आज सभी निजी स्कूलों के संचालक और शिक्षकों का जन सैलाब जिला सचिवालय के बाहर उमड़ा और शिक्षकों ने यमुनानगर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। सभी निजी स्कूल के संचालकों ने कहा कि हमारे स्कूल में सुरक्षा का पूरा प्रबंध है, लेकिन हमें सरकार से भी सुरक्षा का पूरा सहयोग चाहिए। यह घटना घटी है जो शिक्षा जगत के लिए बहुत ही शोभनीय कार्य हुआ है। मैंने अपने 45 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में आज तक ऐसी कभी भी बात नहीं सुनी कि जिसमें कि टीचर के ऊपर किसी विद्यार्थी ने हमला किया हो, और इस प्रकार का हमला ही नहीं बल्कि जान से मार देने का हमला है। केवल 26 जनवरी को जब हमारी एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई कि आज तक कोई भी ना तो डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया, ना ही कोई राजनेता उनके परिवार में गया, लेकिन 26 जनवरी के बाद उस दिन जो चीफ गेस्ट थे वो भी और डीसी और एसपी साहब उनके निवास पर गए और अफसोस जताया। टीचर जो है वो स्वयं अपने आप को जलाकर एक कैंडल की तरह सारे समाज को रोशनी देती है, प्लस जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका एक मार्गदर्शक बनती है। अगर उसके साथ ऐसा है तो ये बहुत गलत है और हमारे सारे समाज को एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए। शिष्य परंपरा है, उसको बढ़ावा दीजिए। और जब कभी बच्चे शिकायत करते हैं घर जाकर कि अध्यापक हमें डांट रहे हैं या हमें इस चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कई बार गलत जानकारी भी माता पिता को देते हैं, तो हम अध्यापकों पर, विद्यालय पे पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा जो अब ये जो अध्यापक जो समाज है इनको सुरक्षा प्रदान करें, कुछ नियम या कानून बनाएं, ताकि जो हमारा समाज में जो हमारा अध्यापक जो वर्ग है जो भयभीत है ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सभी देखिए, बड़ा ही घिनौनी हरकत हुई है किसी बच्चे के द्वारा किसी अध्यापक की हत्या कर देना, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। वही बच्चा अगर अध्यापक को मारे तो हम क्या सोच सकते हैं। अध्यापकों में कमी नहीं है, कमी मेरे हिसाब से हमारे प्रशासन हमारे समाज में है, जो कि बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। आज अभिभावक बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम स्कूल को देख लेंगे, प्रशासन भी हमेशा छोटी सी बात भी होती है तो स्कूल का रोष स्कूल के ऊपर अपना रोष निकालता है। प्रशासन को कुछ और समझ नहीं आता, लेकिन उनको यह नहीं पता कि चाहे कोई डीसी एसपी कोई भी है, वो किसी भी पद पर तैनात है तो वह एक विद्यालय का छात्र रहा होगा, किसी अध्यापक ने ही उसको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया होगा। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमें और प्रशासन को शिक्षकों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए।